दोस्तों, जब भी सेंटा मोनी कंपनी का नाम हमारे दिमाग में आता है तो हमेशा हम एक ही गेम के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं, और इस गेम का नाम है गॉड ऑफ वॉर। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि गॉड ऑफ वॉर के साथ साथ सेंटा मोनी कंपनी ने हमें एक और बहुत जबरदस्त टाइटल दिया था 2015 में। मैं 20 फरवरी 2015 की बात कर रहा हूं, जब रिलीज हुई थी दी ऑर्डर 1886, जो कि एक थर्ड पर्सन शूटर गेम थी। इसके डेवलपर थे रेडिएट डॉन और पब्लिशर थे सेंटा मोनिक स्टूडियो। तो आज इसी के सीक्वल से रिलेटेड मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन लेकर हाजिर हुआ हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन, नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इसकी इंफॉर्मेशन रिवील करने से पहले दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी हमारी न्यूज पर ट्रस्ट नहीं होता, तो प्लीज वो जाकर एक बार गूगल पर सर्च कर लिया करें। कोई भी न्यूज, चाहे हम किसी भी गेम के सीक्वल से रिलेटेड या प्रीक्वल से रिलेटेड या कोई भी आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अभी जैसे मैं आपको दी ऑर्डर 1886 सीक्वल के बारे में बताने वाला हूं, तो ये गेम्स रेडार से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन पता चली है। गेम्स रेडार भी एक IGN की तरह ट्रस्टेड वेबसाइट है, आप चाहें तो जाकर वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि दी ऑर्डर 1886 के जो डायरेक्टर थे उनका नाम था डेना जेन, और अभी हाल ही में उन्होंने गेमिंग वेबसाइट को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया इसके सीक्वल से रिलेटेड, क्योंकि उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल किया था कि सर आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, 2015 के बाद से आपकी कोई भी गेम नहीं आई है। तो उन्होंने बताया कि प्लेस्टेशन 4 के लिए तो मैं किसी टाइटल पर काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, जल्द ही हम रिवील करेंगे प्लेस्टेशन 5 के एक्सक्लूसिव टाइटल को, और वो टाइटल है दी ऑर्डर 1886 का सीक्वल। अब इसका नाम कंफर्म नहीं रखा गया है कि इसे दी ऑर्डर 1886 2 कहेंगे या इसका कुछ और नाम होगा बदलकर, लेकिन ये कहानी इसके आगे की है। तो ये प्लेस्टेशन 5 का टाइमली एक्सक्लूसिव टाइटल होगा। जैसे कि हमें पता ही है कि प्लेस्टेशन 5 पर जितने भी टाइटल्स आएंगे उनमें कुछ परमानेंट एक्सक्लूसिव होंगे और कुछ टाइमली एक्सक्लूसिव। इस गेम की जो प्रीवियस सीरीज थी दी ऑर्डर 1886, वो टाइमली एक्सक्लूसिव नहीं था, यानी कि वो आज भी PS4 पर ही आप खेल सकते हैं। लेकिन इस गेम का टाइमली एक्सक्लूसिव होना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि इस गेम के डेवलपर हैं रेडी एट डॉन, जिन्होंने ये बात कंफर्म की है कि अगर हम जितने भी टाइटल सेंटा मोनिक या कोई भी AAA स्टूडियो के साथ मिलकर बनाएंगे, जो फर्स्ट स्टूडियो है सोनी के, वो टाइमली एक्सक्लूसिव ही रखेंगे, उन्हें परमानेंट एक्सक्लूसिव नहीं किया जाएगा। और इसे रिवील किया जाएगा सोनी के प्लेस्टेशन 5 के इवेंट में, जो कि अभी जल्दी फेब में होने ही वाला है। वैसे ये भी एक AAA टाइटल होगा जिसका साइज अराउंड 200 GB होगा। अगर बात करें इसकी गेम की स्टोरी की, तो पता ही होगा कि 1886 के टाइम की वो गेम दिखाई गई थी जिसमें एक इंडियन कैरेक्टर भी था, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई का। आप उस गेम को खेलेंगे तो आपको पता चलेगा कि झांसी की रानी लक्ष्मी बाई के साथ उस गेम को किस तरह से अटैच किया गया था। लेकिन यहां पर उस गेम की आगे की स्टोरी आपको दिखाई जाएगी, और इस गेम की डेवलपमेंट चल रही है 2016 से, और लगभग 4 साल तो हो चुके हैं। तो प्लेस्टेशन 4 पर भी अगर कंपनी चाहती तो उसे रिलीज कर सकती थी, लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि प्लेस्टेशन 5 की सेल को एकदम से हाइप देनी है तो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे टाइटल रिलीज करने पड़ेंगे कंपनी को। तो उन्होंने इस गेम को भी प्लेस्टेशन 5 के लिए सिक्योर कर दिया है। तो जहां तक बात करें गेम के ग्राफिक्स की, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गेम का साइज अराउंड 200 GB होगा, तो उसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि गेम 4K नेटिव सपोर्ट करेगी और जिसे आप अपस्केल कर पाएंगे 8K तक। बाकी PC एंड Xbox यूजर भी इस गेम को बाद में खेल पाएंगे, जिसमें मिनिमम 1 या 2 साल का समय लग सकता है। जैसे डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन का मैंने गेमिंग न्यूज में बताया था आपको, सेम वही चीज यहां पर भी है। तो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस गेम का फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा था, और आपने अभी तक खेला है या नहीं खेला है, और इसके सीक्वल के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।